तो ये हमारी मिक्स सब्जी है जो मैंने छोटी छोटी काटी है। इसको अच्छे से वॉश किया, अच्छे से पानी से धो लिया है। एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। थोड़ा सा और अगर चाहे तो मैं और धोती हूँ। तो मैंने 5-6 बार वॉश कर लिया है। देखो ये मिक्स सब्जी है, ये अपनी ही सुगाड़ की मिक्स सब्जी है। 3-4 किस्म की सब्जियाँ ली हुई है मैंने। इसकी सब्जी मैं बनाना दिखाती हूँ आपको। ये आप देखते हो, ये वो है क्या बोलते हैं उसको, कद्दू। कद्दू के जो फूल, उसमें फूल भी एक डाला हुआ है इसमें, उसके जो पत्ते भी थोड़े से डाले हुए हैं, और थोड़े से सरसों के पत्ते, थोड़े से कड़म के पत्ते, मिक्स सारा कुछ डाला हुआ है इसमें। ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड। तो गाइस अब मैं मिक्स सब्जी बनाना दिखाती हूँ आपको। सबसे मैंने तेल और ये प्याज लिए हैं। तेल उबाल के इसमें तो एक प्याज डाला है, इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी और मैं अब आपको सब्जी दिखाती हूँ। मैंने सब्जी जो है वो काट के रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी मिक्स सब्जी है जो मैंने छोटी छोटी काटी है। इसको अच्छे से वॉश किया, अच्छे से पानी से धो लिया है। एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। थोड़ा सा और अगर चाहे तो मैं और धोती हूँ। तो मैंने 5-6 बार वॉश कर लिया है। देखो ये मिक्स सब्जी है, ये अपनी ही सुगाड़ की मिक्स सब्जी है। 3-4 किस्म की सब्जियाँ ली हुई है मैंने। इसकी सब्जी मैं बनाना दिखाती हूँ आपको। ये आप देखते हो, ये वो है क्या बोलते हैं उसको, कद्दू। कद्दू के जो फूल, उसमें फूल भी एक डाला हुआ है इसमें, उसके जो पत्ते भी थोड़े से डाले हुए हैं, और थोड़े से सरसों के पत्ते, थोड़े से कड़म के पत्ते, मिक्स सारा कुछ डाला हुआ है इसमें। ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है। A few moments later. सब्जी डाल दी है, सारी सब्जी उसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसमें कुछ निकालूंगी, जब तक ये थोड़ी सी सब्जी को नीचे बैठ ना जाए, फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। क्योंकि मसाला क्या, हल्दी तो इसमें हरी सब्जी में पड़ता ही नहीं है, हल्दी नहीं डालते हैं, बाकी मसाले तो डालते हैं, मिर्ची वगैरह डालते डालते हैं। A few moments later. और इसमें डालूंगी नमक। तो आप ये देख सकते हैं, हमारी जो मिक्स सब्जी, हरी सब्जी, पत्ता सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, ये तकरीबन हमें तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा ही लगता है, ये देखिए, इसको ऐसे थोड़ा कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट थोड़ी कच्ची रहे, बस थोड़ा सा और देंगे इसको, कुछ 5 मिनट तक पकाएंगे तो हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, नमक डाल दिया, अब मिर्ची डाल दी है, मिर्ची नहीं डाल दी अभी मैंने। इसमें हल्दी नहीं पड़ती, हल्दी नहीं डालती इसमें, इसमें मिर्ची भी डाल देंगे। हरी मिर्ची तो है नहीं मेरे, हरी मिर्ची होती उसका टेस्ट अलग ही आता है। हाँ तो जैसे मैं थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालूंगी, मिर्ची थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती है। मुझे थोड़ा दूसरे टाइप की मिर्ची है, देखो उसे भी डालूंगी, ये भी स्वाद अनुसार। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ी देर इस पर ढक्कन रखेंगे, इसको दम देंगे, उसके बाद में आपको दिखाएंगे सब्जी जो तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसके साथ चपातियाँ बनाएंगे, तो बहुत मज़ा आता है फुलकों के साथ, बहुत टेस्टी होती है ये सब्जी। इसमें ये थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ये पुदीना, ये भी मिक्स करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसको धो के ये भी मैं इसमें मिक्स करूँगी सब्जी में। ये देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है, तो ये तैयार हो चुकी है। देखिए इसको देख के मुँह में पानी आ जाता है। मुझे हरी सब्जी जो है बहुत पसंद है। इसमें हरी मिर्ची तो अभी नहीं है, बट हरी मिर्ची डाल के तो ज़्यादा ही टेस्टी होता है। यह मैंने हरी मिर्ची के बिना ही बनाई, हरी मिर्ची हो तो वो ज़रूर डालना।
उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये हमारी जो है सब्ज़ी तैयार है, अब हम इसके साथ ये जो है चपातियाँ बनाएंगे। तो सब्ज़ी को फुलकों के साथ बहुत मज़ा आता है, तो हम फुलकों के साथ ही खाएंगे। देख सकते हैं, ये देखते हैं हमारी सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है।